वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम मोहब्बत के इजहार का एक चीज़ बना रहे हैं जो कि छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने चॉकलेट्स वाले हार्ट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ मेल्टिंग वेफर्स है, चॉकलेट में भी है और वाइट में भी है। बेसिकली वेफर्स क्या होते हैं, ईजी टू हैंडल होते हैं, हमें उसे टेम्पर नहीं करना पड़ता है, हमें कुछ उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा और शाइनी सा आएगा। आप अगर रियल चॉकलेट से बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर बनाएं, रिजल्ट आपका भी यही आएगा, लेकिन आपका तरीका थोड़ा सा अलग होगा, जिसके लिए आपको मेरी रेसिपी देखनी होगी बनाना चॉकलेट कवर्ड, जिसकी मैं लिंक यहाँ देती हूँ, आप वो देखें और फिर हम एग्जैक्टली वैसे ही बनाएंगे। देखिए हमारे पास यहाँ मैरिशिनो चेरीज है, हम ये इसकी फिलिंग करेंगे, बड़ा मज़ेदार सा लगेगा, तो ये हम थोड़ी सी निकाल लेते हैं। चले अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चले तो अब हम क्या करते हैं कि वाइट वाले वेफर्स पहले लेते हैं, आधा कप लेते हैं, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि पानी की और चॉकलेट की दुश्मनी है, ज़रा भी कहीं भी आपका ना गीला चम्मच होना चाहिए ना बर्तन होना चाहिए, कहीं भी नहीं, वरना आपकी चॉकलेट ख़राब हो जाएगी। तो ड्राई साफ़ सुथरे बर्तन लें। अब हम इसे माइक्रोवेव में रखेंगे 30 सेकंड के लिए। चले इसको अब हम देखने में सेम है लेकिन हम इसको हिलाएंगे, ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी मॉइस्चर इसमें पैदा हुआ है, तो बेसिकली अभी हम इसको हिला के और दोबारा रखेंगे। अब दोबारा हिलाएंगे, बस हमें जब तक ही रखना है, लेकिन ज़्यादा ओवर टाइम नहीं रखेंगे जब तक कि हमारी चॉकलेट मेल्ट ना हो जाए। तो चलें अब देखते हैं, ये देखें अच्छी सी हो गई है, इसको अब हम अच्छे से हिलाएंगे, ये देखें एग्जैक्टली हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने हमारे पास देखें ये मोल्ड है, हमने आपके लिए ख़ास तौर से ये मोल्ड पिक किया है क्योंकि ये छोटे छोटे हार्ट है, इसमें अब हम ये जो हमने चेरीज काटी है ये डालते हैं, कहीं छोटा छोटा टूटा हुआ टाइप का डालेंगे, अलग अलग लुक आएगा, हम छह बना रहे हैं वाइट। चले ये हो गई हमारी, अब हम अपनी चॉकलेट डाल देते हैं इसमें। ऐसे भी डाल सकते हैं, बस इसी तरह आप सब में डाल देंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं डालेंगे वरना मैसी हो जाएगा। ये सारी चली गई, देखें अब हम क्या करेंगे, इसको टैप करेंगे। टैप करने से क्या एयर जो है अंदर नहीं रहेगी और हम इसको स्मूथ एंड क्लीन लुक दे सकेंगे। बस अब सेम चीज़ हम चॉकलेट से करेंगे, वही सेम 30 सेकंड के लिए और फिर हम रखेंगे 15 सेकंड के लिए दो मरतबा, जब तक ये मेल्ट ना हो जाए।
हिलाएंगे। देखें कैसी ज़बरदस्त हो गई है, शाइनी शाइनी ज़बरदस्त सी। ये देखें एग्जैक्टली हमें देखें ऐसी ही चाहिए। एट दिस पॉइंट आप नट्स डाल सकते हैं, रेजन्स डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आपको जो डालना हो सभी बहुत अच्छा लगेगा। ये भी हो गई हमारी और आप इसको देखें हम टैप करेंगे, टैप टैप टैप। तो चलें इसको अब हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं, फिर मिलते हैं 10 मिनट में। देखें 10 मिनट हो गई है, अब हम निकाल लेते हैं। ये देखें कैसे खूबसूरत है। बड़ी मजेदार सी चॉकलेट्स बनी है भाई, जबरदस्त। चले अब हम निकालते हैं। ये देखें हमने कल पिंक भी बनाई थी, ये वाइट वाले में हमने कुछ ड्रॉप्स रेड कलर के फूड कलर के डाले, तो देखें पिंक बन गई। ये देखें चले अब हम सजाते हैं। देखा कैसे झटपट हमारी ज़बरदस्त सी चॉकलेट बन गई, महंगी महंगी हमें ख़रीदनी भी नहीं पड़ी और अच्छी वाली क्वालिटी की। चले जी अब ट्राई करते हैं, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। कौन सी ट्राई करूँ, पिंक करूँ, चॉकलेट करूँ, वाइट करूँ? ओह माय गॉड, थैंक यू। ये मेरे हस्बैंड का हाथ है, आप कहते थे ना फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाऊं, तो देखिए आज हाथ आया, फेस भी आएगा एक रोज। से हाय टू माय हस्बैंड्स हाथ। चले तो मेरे ख्याल में जाते हैं, मैं पिंक ट्राई करती हूँ, पिंक एंड वाइट। खतरनाक, इस कदर अच्छी है आप लोग बिलीव नहीं कर सकते। एकदम माउथ में मेल्ट हो गई, सिल्की स्मूथ, गजब की। और कितनी सस्ती लग ही नहीं रहा है कि हमने इतने घर में बनाई है। अब आप लोग भी बनाएं, खूब मोहब्बत करने वालों को बांटें और आप भी लें और मुझे यूं ही मोहब्बत देते रहें। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।